मलेश का बलविंदर ने मिलकर फंसा दिया लक्ष्मी को और आए हुए होटल में सारे मेहमानों को हो गई खाने की वजह से उल्टियां। लेकिन ऑफिस के स्टाफ वाला आदमी दिखाएगा किचन का सीसीटीवी कैमरा जिसमें दिखेंगे साफ साफ बलविंदर और मलेश का और लाएगा आयुष मलेश का बलविंदर की असली सच्चाई सबके सामने। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब लक्ष्मी किचन से चली जाएगी तभी मलेश का किसी को पता ना चले ऐसे सही मौके का फायदा उठाकर सारे खाने में जहरीला तबीयत खराब होने वाला पाउडर मिला देगी और तभी आयुष वहाँ आ जाएगा और मलेश का को खाने में कुछ मिलाते हुए देखकर आयुष को काफी बड़ा शौक लगेगा। लेकिन जब मलेश का आयुष की तरफ देखेगी और आयुष मलेश का को कहेगा कि तुम मलेश का क्या करी हो तभी वो तबीयत खराब होने वाला पाउडर पीला होने की वजह से मलेश का कहेगी वो खाने में हल्दी जरा कम थी इसलिए मैं थोड़ी सी हल्दी डाल रही थी। यह सुनकर आयुष मलेश का की बात मान लेगा लेकिन होटल में आए हुए सारे मेहमानों की तबीयत को और ज्यादा खराब करने के लिए जब बलविंदर शेफ बनकर किसी को पता ना चले ऐसे किचन में आएगा और सारे खाने में व्हाइट पाउडर मिलाएगा और लक्ष्मी वहाँ आएगी तभी लक्ष्मी को देखकर अपना मुंह छिपाकर बलविंदर वहाँ से चला जाएगा। लेकिन जब होटल में सारे मेहमान आ जाएंगे और लक्ष्मी होटल में आए हुए सारे मेहमानों को अपने हाथों से खाना देगी तभी मलेश का को मनी मन काफी ज्यादा जलेसे होगी और मलेश का मनी मन गुस्से से कहेगी खुश हो लो क्योंकि अब तुम्हारे पास पूरी जिंदगी रोने के लिए पड़ी है क्योंकि यह इन लोगों के खाना खा लेने के बाद तुम्हें यही लोग गालियां देंगे। इस वजह से जब सारे मेहमान खाना खाना शुरू करेंगे और एक मेहमान लक्ष्मी को कहेगी कि यहाँ हमारे इंडिया में रीति रिवाज है कि जो कोई अच्छा खाना बनाता है उसके हाथों को किस करते हैं तभी ये कहकर मेहमान लक्ष्मी के हाथ पे किस करने के लिए जारी होगी तभी उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ जाएगी और वो सीधे बाथरूम में चली जाएगी और अचानक से तबीयत बिगड़ता हुआ देखकर लक्ष्मी को काफी बड़ा शौक लगेगा। लेकिन जब एक एक करके सबकी तबीयत बिगड़ना शुरू होगी तभी लक्ष्मी आयुष काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे और वहाँ पीछे खड़ी मलेश का काफी ज्यादा खुश होगी और मनी मन कहेगी लक्ष्मी अब तुम्हारे जिंदगी भर रोने का टाइम आ गया है। लेकिन जब आयुष पलटकर मलेश का को खुश होते हुए देखेगा तभी आयुष को लक्ष्मी का सारा खाना बिगाड़ने का खेल मलेश का ही कर रही है इसका शक हो जाएगा और काफी गुस्से से आयुष मलेश का हाथ पकड़ के एकांत जगह ले जाएगा और मलेश का को गुस्से से कहेगा मलेश का सच सच बताना होटल में लक्ष्मी भाभी का खाना तुमने ही बिगाड़ा है ना। जब मैं तुम्हारे पास आया था तब तुम कुछ खाने में डाल रही थी और मैंने देख लिया था क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ। तभी यह सुनकर मलेश का एक पल के लिए काफी ज्यादा डर जाएगी और आयुष को कुछ बोल नहीं पाएगी लेकिन डरते हुए आयुष को कहेगी आयुष मैंने कुछ नहीं किया आई एम सॉरी मैं भी हैरान हूँ यहाँ पर लोगों को लक्ष्मी का खाना खाकर क्या हो गया है। तभी आयुष कहेगा ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा आज और ये सब तुमने किया है ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और आज मैं तुम्हारी असली सच्चाई सबके सामने ला कर आऊंगा। तभी जब आयुष होटल के सीसीटीवी कैमरे के कैबिन में जाएगा और किचन के कैमरास को चेक करेगा तभी आयुष को किचन का कैमरा बंद नजर आएगा जिससे आयुष को पता चल जाएगा कि खाना बिगाड़ने के पीछे और किसी का नहीं बल्कि मलेश का ही हाथ है क्योंकि वही जानती है कि होटल के कैमरे को बंद कैसे किया जाता है और लेकिन यह मलेश का की असली सच्चाई सबके सामने आ जानी चाहिए क्या नहीं और बलविंदर मलेश का खेल अब खत्म हो जाना चाहिए क्या नहीं और आप ऋषि लक्ष्मी को हमेशा एक होते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं और अगर यह खाने की वजह से नीलम करिश्मा बुआ लक्ष्मी की बेइज्जती करेगी तो आपको दिल से कैसा लगेगा ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।